हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो वर्ल्ड का फर्स्ट 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता, और आइए देखते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। जिपमैक्स को इंटरेस्टेड पार्टीज से बातचीत के बाद मिला बेलआउट का ऑफर। ब्लॉकचेन इंफ्रा कंपनी चेन ने $100 million में MDT टोकन को किया अक्वायर। बढ़ती इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज पर क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, $22,300 से ऊपर रहा बिटकॉइन। युगा लैब्स क्लास एक्शन लॉसूट का सामना करने के लिए है तैयार। डीफाई का टॉप DEX बनने के लिए यूनिस्वैप कर रहा है कर्व के साथ कंपीट। Coinbase ने अपने नैनो बिटकॉइन फ्यूचर्स प्रोडक्ट वॉल्यूम में रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से देखी बढ़त। US और यूरोपियन यूनियन मार्केट बिटकॉइन अक्यूमुलेशन में वेस्ट एशिया के डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए है तैयार। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जिपमैक्स, जो सिंगापुर और थाईलैंड में ऑपरेट होता है, उसने कहा कि वो रेस्क्यू के लिए पॉसिबल डील पर विचार कर रहा था कि इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ बातचीत और ड्यू डिलिजेंस शुरू होना चाहिए। एक ट्विटर पोस्ट में एक्सचेंज ने बेलआउट की पॉसिबिलिटी पर चर्चा की है, ये दिखाते हुए कि एक पार्टी ने कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम में डील की शर्तों की पेशकश की थी। हालांकि जिपमैक्स ने पार्टी की पहचान का खुलासा नहीं किया है और ना ही बताया है कि ये प्रपोजल एक इन्वेस्टमेंट के लिए है या बायआउट के लिए। ये एशियन प्लेटफॉर्म हाल ही के हफ्तों में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज का सामना कर रहे डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री में कई लोगों में से एक था। 21 जुलाई को प्लेटफॉर्म ने विथड्रॉल्स को हॉल्ट कर दिया था, क्योंकि फॉलआउट्स की एक सीरीज के नतीजे पूरे इंडस्ट्री में स्प्रेड हो गए थे। चेन, जो ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेवलपर्स क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसने $100 million में मेजरेबल डेटा टोकन का एक्विजिशन की घोषणा की थी। चेन की एक्विजिशन के हिस्से के रूप में कई एसेट्स रिसीव होंगे, जिसमें कैशबैक प्रोग्राम, रिवॉर्ड मी और फाइनेंशियल डेटा प्रोटोकॉल MeFi शामिल है। ट्रांजैक्शन यूनिक है, क्योंकि यूनिक MDT मेजरेबल डेटा टोकन को बर्न करने के बाद चेन के नेटिव टोकन XCN में कन्वर्ट हो जाएगा। MDT टोकन होल्डर्स को स्वैप के बेनिफिट रिसीव होगा और स्वैप के लिए 0.08 MDT टोकन वैल्यू रिसीव करने की उम्मीद की जाएगी। XCN हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ $0.095 पर ट्रेड कर रहा था। बढ़ती मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और कॉरपोरेट अर्निंग्स और फेडरल रिजर्व मीट के बिजी वीक से पहले सावधानी बरतने के बीच सोमवार की सुबह एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टोकरेंसीज को नीचे गिरते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन ने $22,300 के ऊपर ट्रेड किया। मेजर एवरेजेस के लिए पॉजिटिव वीक के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव देखा गया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स को 0.14% नीचे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स को 0.11% नीचे फिसलते हुए देखा गया। वहीं टेक हैवी नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.01% नीचे रहा। इन्वेस्टर्स आगे आने वाले हफ्ते में कमाल की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें मेजर टेक जायंट्स अल्फाबेट, अमेज़न, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट शामिल होंगी। फेडरल रिजर्व बुधवार को अपनी 2 दिन की पॉलिसी मीटिंग का समापन भी करेगा। इकोनॉमिस्ट वाइडली 3/4 point हाइक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फेड इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, जिससे कंपनी अर्निंग्स और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम को नुकसान हो सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ अराउंड $22,300 पर देखा गया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 0.5% की गिरावट के साथ $1,550 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। लॉ फर्म स्कॉट प्लस स्कॉट युगा लैब्स के खिलाफ क्लास एक्शन सूट ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस में है। ये लॉ फर्म एप कॉइन और बोर्ड एप यॉट क्लब के इन्वेस्टर्स से युगा लैब टोकन और NFT की खरीद से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मामले में शामिल होने के लिए कह रही है, क्योंकि दोनों टोकन झूठे वादों पर बेचे गए थे।
लॉ फर्म का आरोप है कि युगा लैब्स के इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अनुचित तरीके से प्रेरित किया गया है। फर्म ने आरोप लगाया है कि युगा लैब्स ने कंपनी के NFT और टोकन की प्राइस बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी प्रमोटर्स और एंडोर्समेंट्स का इस्तेमाल किया ताकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के चांसेस को प्रमोट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट पर भारी रिटर्न्स मिल सके। केस का प्लेंटिफ ने अभी तक फेडरल कोर्ट में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल ही नहीं किया है। इनटू द ब्लॉक से मिले डेटा के अनुसार पिछले हफ्ते डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप की टोटल वैल्यू लॉक्ड कर्व्स के टोटल वैल्यू से आगे निकल गई है। कर्व एक साल से ज्यादा समय से TVL के मामले में टॉप DEX रहा है। इस साल मई की शुरुआत के बाद यूनिस्वैप का TVL 24% बढ़ गया है जबकि कर्व्स में 69% की कमी आई है। कर्व ने तब से फर्स्ट प्लेस पर अपना कब्जा कर लिया है लेकिन दो DCX के बीच कंपटीशन कड़ी बनी हुई है। लेटेस्ट डेटा से पता चला है कि कर्व के TVL में $6.07 बिलियन है जबकि यूनिस्वैप का TVL $5.94 बिलियन का ही है। यूनिस्वैप नेटिव टोकन यूनी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4% की बढ़त के साथ अराउंड $7.32 पर ट्रेड कर रहा है जबकि कर्व के नेटिव टोकन CRV को उसी समय के दौरान 4% की गिरावट के साथ अराउंड $1.39 पर देखा गया। डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते कॉइनबेस ने अपने नैनो बिटकॉइन फ्यूचर्स प्रोडक्ट वॉल्यूम्स को लगातार 3 दिनों तक रिकॉर्ड किया है। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पर स्पॉट ट्रेड वॉल्यूम्स ड्रामेटिकली कम हो गया है जो मई 2021 में $200 बिलियन से गिरकर जुलाई में $59 बिलियन हो गया है। कॉइनबेस ने जून में अपना माइक्रो बिटकॉइन फ्यूचर्स ऑफरिंग की शुरुआत की है। प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया क्योंकि प्रोडक्ट में ट्रेडिंग के लिए कम अपफ्रंट कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैश सेटल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का 1/100th ऑफ अ बिटकॉइन कई रिटेल ब्रोकर्स पर ट्रेड करता है जिसमें वेडबुश, एज क्लियर और निंजा ट्रेडर का नाम शामिल है। नैनो फ्यूचर्स के लिए नोशनल वॉल्यूम्स 19 जुलाई को कई दिनों की बढ़ोतरी के बाद 217.045 पर पहुंच गई है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम्स 22 जुलाई को गिरकर 117.493 हो गया था। हाल के ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन मार्केट्स बिटकॉइन अक्यूमुलेशन पर वेस्ट एशिया के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए तैयार है। जुलाई 2022 के डेटा से पता चलता है कि US और EU में बिटकॉइन अक्यूमुलेशन मोमेंटम गेन कर रहा है। मार्केट अप्रैल की शुरुआत के बाद पहली बार और ये दर्शाता है कि मैक्रो और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के समय में डिजिटल गोल्ड को अब वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में माना जा रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 साल में क्रिप्टो मार्केट पर डोमिनेट किया है। मार्केट के ज़्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्टिनेंट के इंडियन पार्ट में रहने वाले लोगों से फार ईस्ट वेस्ट एशिया से आते हैं। जब पिछले साल गर्मियों के आखिर में बिटकॉइन गिरकर $40,000 हो गया था तब एशियन इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले डिप खरीदा और नवंबर 2021 में सबसे पहले सेल किया जब बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को वापस हासिल किया था। मई 2022 में एशिया में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पिछले गर्मियों के बाद सबसे ज़्यादा था जब ये रीजन US और EU में मास सेल ऑफ्स की लोअर प्राइसेस के एडवांटेज के लिए रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं क्रिप्टो TV। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी। आपसे विदा लेती हूँ।